हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जनरल स्टडीज़ है, यानी सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन है। और ये इस वीडियो का पार्ट 13 है। इसके पहले जो इस पर 12 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है आने वाले एग्जाम से रेलवे, RPF, SI, SSC, GD, UP पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि जो आत्मनिर्भरता है ये कौन से पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो देखिए, ये है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक, तीसरे पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी, तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1961 से 1966 तक रही थी, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए, भारत में सबसे अधिक जो है ये गोंड जनजाति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन 2019 का आयोजन जो है ये हैदराबाद के तेलंगाना में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है तो ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, ठीक, 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में जो है ये कैल्शियम की अधिकता होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन का पाचन किससे होता है? तो देखिए, प्रोटीन का पाचन जो है ये लाइपेज से होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन जो है ये विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए, भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए, डांडिया जो है ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो देखिए बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि महावीर के ये प्रथम शिष्य कौन थे? तो देखिए, ये थे जमाली, ठीक, जमाली जो कि महावीर के प्रथम शिष्य थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश ने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में छोड़ा था? तो देखिए, प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट जो है
ये सोवियत संघ ने छोड़ा था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि जो हास्य गैस है तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए ये है N2O, ठीक है, N2O जो है ये हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए हास्य गैस का रासायनिक नाम ये नाइट्रस ऑक्साइड है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। तो देखिए जिला न्यायाधीश जो है ये उच्च न्यायालय के अधीन होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो देखिए आकाश का रंग नीला जो है ये लघुतर तरंग दैर्ध्यों के प्रकीर्णन, ठीक, लघुतर है तरंग दैर्ध्यों के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, पोलियो रोग किसे प्रभावित करता है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि जो पोलियो रोग है ये किसे प्रभावित करता है। तो देखिए ये प्रभावित करता है यकृत को, ठीक है, यकृत को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए आपको इसमें बताना है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। तो देखिए आवर्त सारणी में सबसे भारी जो है ये ऑस्मियम धातु होती है, और सबसे हल्की जो है ये लिथियम धातु होती है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20 है, 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 8 मार्च को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि 18 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है, तो देखिए 18 अप्रैल को जो है ये विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, दीने इलाही धर्म किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था। तो देखिए दीने इलाही धर्म जो है ये अकबर के द्वारा परिवर्तित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22 है, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो देखिए भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत जो है ये है कुएं और नलकूप, ठीक, कुएं और नलकूप हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए ये है अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, पारा यानी मरकरी धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है। तो देखिए पारा यानी मरकरी धातु जो है ये विद्युत अपघटन के द्वारा परिष्कृत की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कौन सा ये स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है। तो देखिए ये है एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम जो है ये स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है, और बाकी क्रोमियम, लोहा और निकल, यानी ये तीनों जो है स्टेनलेस स्टील का घटक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए रेडियो एक्टिवता की खोज जो है ये हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, पाचन तंत्र में वसा का पैसीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए पाचन तंत्र में वसा का पैसीकरण जो है ये लाइपेज के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, वायुमंडलीय दाब की यूनिट क्या है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि वायुमंडलीय दाब जो है इसकी यूनिट यानी इकाई क्या है। तो देखिए ये है बार यानी पास्कल, ठीक, बार यानी पास्कल जो है ये वायुमंडलीय दाब की यूनिट है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी।
तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला ये बछेंद्री पाल थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। और बछेंद्री पाल जो है ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, ठीक 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।